फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गार्लिक छल्ला पराठा बनाकर लाई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है, ये मैंने गेहूँ का ही आटा लिया है। इसके अंदर मैं आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालूँगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इस आटे को गूंथेंगे। हमें ज़्यादा आटा टाइट नहीं करना है, मीडियम रखना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है। इस तरह से मैं अपने आटे को गूंथ लूँगी। देखिए, हमने अपना आटा गूंथ लिया है। अब अच्छी तरह से मैं इसका लोच लगाऊँगी। हमें अच्छी तरह से इसको गूंथ लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी इसके ऊपर। देखिए, थोड़ा सा पानी और ले लीजिए अपने हाथ पे। देखिए, हमने थोड़ा पानी ले लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसे अच्छी तरह से गूंथना है जिससे कि हमारा छल्ला पराठा बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बने। हमें अपने आटे को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। देखिए, इस तरह से हमें अपने आटे को गूंथना है, देख सकते हैं आप। देखिए, ऐसा हमें चाहिए, ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए और ना ज़्यादा हमें थिक चाहिए अपने आटे को। हम इस तरह से गूंथेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये गार्लिक काट लिया है, मतलब मैंने लहसुन को बारीक बारीक बिल्कुल अच्छी तरह से काटा है। देखिए, मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। उससे पहले ये देखिए, ये मैंने धनिया को भी बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। अब ये देख सकते हैं, मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट के दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने लहसुन को काटना है। देखिए, इसी तरह से हम हल्का हल्का, बहुत ही हल्का, इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए, हमने पूरा अपना लहसुन अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। अब मैंने ये पेड़ा ले लिया है। इस पेड़े को हम अच्छी तरह से बेलेंगे। पहले उससे पहले हम आटा लगा लेंगे जिससे कि हमारा पेड़ा चुपके ना। अब हम अपने पेड़े को बेलने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम गोल पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम एक रोटी को बेलते हैं, सिंपल उसी तरीके से हमें इसको बेलना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने पेड़े को बेलना है। हमें बिल्कुल पतला पेड़ा बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से हमें पेड़े को बेलना है। अब मैं इसके ऊपर नमक मसाले डालूँगी। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहे तो। इससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा हमारा क्रिस्पी छल्ला पराठा बनेगा। देखिए, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल दी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, आप भुना जीरा भी डाल सकते हैं। और मैंने 2 पिंच नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी। उसके बाद इस सारे पेस्ट को अच्छी तरह से अपने पेड़ पे लगा लेंगे हम। देखिए, इसी तरह से हमें अपनी पूरी रोटी पे लगा लेना है। देखिए, हमने पूरी तरह से अच्छी तरह हमने इस पर फैला लिया। अब जैसे हम बच्चे फ़ैन बनाते थे, आप देख सकते हैं, बचपन में फ़ैन बनाते थे हम कागज़ की, उसी तरह से हमें बनाना है। उससे पहले आप इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क दें और अच्छी तरह से इस पर थोड़ा सा मल दें। देखिए, हमने इस पर अच्छी तरह से थोड़ा सा आटा लगा दिया। अब हम जैसे पंखा बनाते थे बचपन में, उसी तरीके से हमको इसको ऐसे फोल्ड करना है। देख सकते हैं, इसे इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह से आप फोल्ड करें। देखिए, एक एक लेयर बहुत ही अच्छी तरह से आएगी हमारे लच्छे पराठे में और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं। देखिए, हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है।
अब मैं इसे अंदर की तरफ से घुमा के इसको फोल्ड करूँगी इसी तरह से। देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल फोल्ड करना है, देख सकते हैं। और ये चीज़ हम जो इसको हम बिल्कुल नीचे की तरफ से इसे थोड़ा प्रेस करके बंद कर देंगे, देख सकते हैं। हमने अपना लच्छा पराठे की लोई बिल्कुल तैयार कर ली है। देखिए इस तरीके से हमको लच्छे पराठे की लोई बिल्कुल तैयार करनी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर गार्लिक डालूंगी, देखिए धनिया, उसके ऊपर से हमने धनिया भी डाल दिया है, हरा धनिया हम डाल देंगे। आप हरी मिर्च भी इस पे डाल सकते हैं, मैं ओनली लहसुन और हरे धनिए का ही बना रही हूँ। देखिए उसके बाद हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे, देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे जिससे कि हमारा पराठा चिपके ना। इस तरह से हमने आटा लगा दिया है, अब हम इसको बेलेंगे। पर उससे पहले आप थोड़ा सा आटा इस लोई के ऊपर भी लगा दें जिससे कि ये जो हमने स्टफिंग की है ये हमारे बेलन पे ना चिपके। अच्छी तरह से हमने आटा लगा दिया है, इसे थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे अपने हाथों से ही। अब हम बेलन से इसे बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से धीरे धीरे से गोल शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे इसको बेलना है। और थोड़ा सा आटा और मैं इसके ऊपर लगा लूँगी क्योंकि ये चिपक रहा है। इसे धीरे धीरे से हम इसी तरह से बेलते रहेंगे। देखिए हमने अपना लच्छा पराठा बेल लिया है, अब मैंने इसे तवे पे डाल दिया है, देखिए। और हम बिल्कुल सिम आंच पे ही इसको पकाएंगे जिससे कि हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और ये अंदर तक पक भी जाएगा अच्छी तरह से। देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब मैं इसके ऊपर घी डालूँगी एक चम्मच, आप रिफाइंड ऑयल से भी इसको सेक सकते हैं। इसे इसी तरह से हम देखिए अच्छी तरह से घी लगा लिया, अब थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे इस तरीके से, हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे अच्छी तरह से हमारा लच्छा पराठा सिक जाए। देखिए अब इसके बाद हम इसे पलट देंगे, देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लिया है, अब अच्छी तरह से इसको पलट दें। देखिए इधर से भी हमारा लच्छा पराठा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, अब इसके ऊपर भी हम एक चम्मच घी लगाएंगे। इसके ऊपर भी हमने एक चम्मच घी लगा दिया है, हम इस तरफ से भी इसको पलट के सेक लेंगे, हमें सिम फ्लो पे ही इसको सेकना है। देखिए हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और कितना क्रिस्पी लग रहा है, देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा घी और लगा दिया है, आप देख सकते हैं हमारे लच्छे कितने अच्छी तरह से बन के आए हैं, अच्छी तरह से खुल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी है। आइए मैं इसको फोड़ के दिखाती हूँ, देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी है और इसकी देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है हमारा लच्छा पराठा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।